और रास्ता आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ साइडलिंग करते हैं यहाँ पे क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो यहाँ पे मेरी ड्यूक है और उसकी राइट में मैं अभी खड़ा हूँ। सो गाइस, तीन हफ्ते हो गए कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। सो तीन हफ्तों के बाद आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। सो आज मैं जा रहा हूँ चस कमान डैम, जो कि जुन्नर के पहले है। सो एक 60 किलोमीटर्स का राइड है और आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक फ्रेंड भी मेरे साथ है। सो जेडी जनार्दन दिख रहा नहीं है लाइट में, दिख रहा है क्योंकि अंधेरा, सुबह का वक्त है, 6 बज रहा है अभी। सो राइड स्टार्ट करनी है, बाइक है मेरे यहाँ पे और जेडी की बाइक है एक्सपल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। शुरू करते हैं राइड, 68 किलोमीटर्स का समथिंग राइड होगा चस कमान डैम के लिए। सो शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो आज जा रहे हैं हम चस कमान डैम। सो मैप में डाल देता हूँ चस कमान 55 किलोमीटर ही करा कितना। ओके सो 55 किलोमीटर स्टार्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से और ये चले जाएगा टैंक बैग के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो चिड़िया ने पट्टी कर दी ओडोमीटर पे। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं राइड। ओके गाइस, सो आई एम ऑल सेट, वेरी मच एक्साइटेड फॉर द राइड, चलो लेट्स गो। ओके गाइस, अभी हम नासिक फाटे पे, नासिक फाटा क्रॉस करके अभी हम जुन्नर की रोड की ओर जा रहे हैं। सो जुन्नर से पहले ही हमें एक लेफ्ट टर्न होगा चस कमान डैम के लिए जाने के लिए। कमान डैम एक बहुत ही अननोन प्लेस है, मीन्स ज़्यादा आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे इसके बारे में। सो मैंने सोचा क्यों ना हम जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ओके सो अभी हम चाकन वाली रोड पे, सो चाकन ऐसे अराउंड लाइक 10 किलोमीटर्स और चस कमान डैम इज मोर लाइक 40 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एंड एक्सपल्स 200 टफ दे रही है मेरी ड्यू 125 को, क्योंकि पावर ज़्यादा है बाइक में एंड लाइक इट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल। सही है ब्रो। जेडी रेस रेस, इनिशियल पिकअप मिलता है एक्सपल्स में, वैसा पिकअप ड्यू 125 में नहीं मिलता है। पिकअप इसका रेस होता है लाइक 3000 आरपीएम के बाद, इसका लाइक असली मजा आता है। ओहो विंड ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा ही हवा चल रही है यहाँ पे। आज मेरे फर्क महसूस हो रहा होगा आपको, बहुत ज्यादा ही हवा चल रही है, मेरा हेलमेट ऐसे ऐसे हिल रहा है सामने से। सो यहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया है और जो हाईवे था नासिक हाईवे हमने कट करके हम चस कमान डैम की ओर जा रहे हैं। ओके गाइस, सो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया, एक टी ब्रेक, चाय पी के आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंड है। मज़ा क्या भाई। सो यहाँ तो चाय पीने मिली नहीं हमें, बट कोई नहीं, यहाँ से बस 13 ही किलोमीटर बचे हैं, 13 किलोमीटर्स हमें स्ट्रेट जाना है। हम यहाँ से भी आ सकते हैं ये रास्ते से, बट हम ये रास्ते से नहीं जा रहे हैं, हम ये रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता ज़रा अच्छा है और वो रास्ता कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोड है, तो हम वहाँ से नहीं जा रहे। आप देख सकते हो वहाँ पर एक जीप जा रही है, तो हम वहाँ से नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से ही जाएंगे। सो चलिए चलते बढ़ते आगे। नेक्स्ट टाइम है ना ग्लव्स लेके आना, एकदम ये हो गएंगे, नम हो गएंगे हाथ, नम हो गया पूरा, नम हो गया हाँ, शरीर पूरा ठंड। हाँ 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 वही तो, हाथ में ना, हाथ है ना कवर होने चाहिए, नहीं तो फिर ठंड में ना वाट लग जाती, पता है क्या, मुझे पता है, बहुत एक्सपीरियंस है अपने को। चलो चलिए चलते शुरू करते फिर से राइड, 13 किलोमीटर ही बचे, लेट्स गो। जेडी तो आता रहेगा, जेडी की ऑफ रोड बाइक है, अपनी नहीं है, हमें आगे निकलना चाहिए अभी। जब तक हमने गाड़ी रोकी नहीं थी तब तक हमें ज़्यादा कुछ ठंड महसूस नहीं, बट जैसे हमने गाड़ी रोकी और वापस हम राइड करना स्टार्ट किए हैं, कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है अभी। पता नहीं हमें कंटिन्यू चलना था, पर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रोड थोड़े अच्छे हैं, सो हमने सही डिसीजन लिया यहाँ से जाने का।
ओके गाइस, तो यहाँ से 2 ही किलोमीटर बचे चस्कमान डैम के लिए, और राइट साइड में देख सकते हो यहाँ तो खेत है, पर खेत के वो साइड में डैम दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे डैम, और यहाँ पे पूरा पहाड़ देख सकते हो। वाह, मज़ा आ गया। इसलिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं चस्कमान डैम, आप मेरे यहाँ पे पीछे देख सकते हो। हो राइड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, जो हाईवे तक का राइड था वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। जैसे हम हाईवे से गांव के अंदर एंटर हुए तब थोड़ा रास्ता हमें ख़राब मिला, क्योंकि गांव का रास्ता है तो ऑफकोर्स हमें थोड़ा ख़राब रास्ता मिलेगा। एंड बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक्सपल्स बेस्ट ऑफ रोड बाइक। सो भाई एक्सपीरियंस कैसा था? ऑसम ऑसम। अभी जस्ट इसने एक ही हफ्ता हुआ है बाइक लेके, और बहुत सारी राइडिंग कर ली इसने एक हफ्ते में, और ये फर्स्ट राइड है इसका मेरे साथ। डैम का पानी, सो नीचे आ गए अभी हम। यहाँ पे पूरा फॉग फॉग दिख रहा है पानी पे। यहाँ पे तो गेट भी बने हैं, सही है। आहा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, साइडलिंग करते यहाँ पे क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो गूगल मैप के मुताबिक हमें और आगे जाना है, लाइक 4 किलोमीटर्स और आगे हम जाएंगे तो डेड एंड आएगा इसका। जा रहे सो चलिए चल के देखते हैं कैसा है। सो ये नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे। सो चलिए बढ़ते हैं अभी आगे और जाते हैं डेड एंड की ओर। ओके गाइस, सो यहाँ पे नीचे हमें एक बहुत ही अच्छा स्पॉट मिला, बाइक हमने वहाँ पे लगाई हमारी। आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा कोई आता नहीं है, या शायद किसी को पता नहीं ये लोकेशन के बारे में। आज तो डेब्यू था जेडी का, फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में आया। सो आई होप कि नेक्स्ट वीडियोस में भी आए जेडी का, जरूर जरूर आए जेडी भाई, जरूर आएंगे हमारे वीडियो में। ओके गाइस, सो हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, और राइड बहुत ही मज़ेदार था, और यहाँ पे व्यू भी बहुत ही कमाल का है। और अभी बज रहे 9, सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, शॉर्ट एंड सिंपल। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक शेयर कमेंट करना है हमेशा की तरह, एंड इसी तरह मैं राइड के वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज जाके कर दे। सो इसी नोट पे मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, स्वीट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो रेडबुल फेंका हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ही कचरा करते हैं लोग आके। वहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा कचरा है, तो लाइक डैम का साइड है तो यहाँ पे इतना कचरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी जगह है तो अच्छी जगह को ही ख़राब करना चाहते हैं लोग, मीन्स समझ में आता क्यों ऐसा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा साफ पानी है, पर यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कचरा यहाँ पे दिखाई देगा। रिक्वेस्ट यू गाइस, अगर आप ऐसे ही किसी जगह पे आते हो तो प्लीज़ कचरा ना करें। अगर आप कुछ खाने की चीज़ें भी लाते हो तो साथ में कचरा अपना रखें। सो ये बहुत ज़्यादा ही लाइक कचरा करके रखा है यहाँ पे।